हरी ओ। ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात्, दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यन् विमोचयेत्, मुक्तश्चान्यन् विमोचयेत्। हरिः ॐ। हरिः ॐ। तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः से जो सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर किमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, के शुद्ध वातावरण में गहरा श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप अंतरात्मा का नाम भरो और रोको। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। व्यास पूर्णिमा मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित करने वाली पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा लघु को ऊंचा बनाने वाली पूर्णिमा है।
लघु वस्तुओं की आसक्ति और प्रीति जीव को तुच्छ करती है और परमात्मा की प्रीति और ज्ञान जीव को महान बना देता है। गहरा सांस ले फिर से थोड़ा। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, अंतर्यामी प्रभु का नाम ओम है। मैं उसकी शरण हूँ, मैं उसका जप करता हूँ। मेरे जीवन में भगवत प्राप्ति का विवेक जग जाए, तुच्छ इच्छाएं, वासनाएं और अहंकार विदाय हो जाए, भगवान का विवेक, प्रेम और आनंद प्रकट हो, इसलिए मैं जप करता हूँ। फिर से गहरा श्वास। दोनों नथुनों से गहरा सांस भरे तो और अच्छा है। भरो 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 और भरो, रोक के रखो, मन में ओम ओम जप करो। आप कंठ से करो, ओम 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 फिर से गहरा सांस लो। पहली उंगली अंगूठे के साथ, तीन उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। दीर्घ प्रणव जाप मन को परमात्मा में शांत करने वाला प्रयोग। फिर से अब होठों में जप करेंगे और ललाट में ओम स्वरूप ईश्वर की आकृति की भावना करेंगे। ओम 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 ओम। ललाट में ओमकार स्वरूप का ध्यान करने से बुद्धि में विलक्षण योग्यताएं विकसित होती हैं और नाभि में सूर्यदेव का ध्यान करने से आरोग्य विलक्षण पर रोग प्रतिकारक शक्ति और स्वास्थ्य की कुंजियां सहज में मिलती हैं और इन दोनों से सर्वोपरि भगवान का प्राप्ति का मार्ग एक होता है क्रिया प्रधान, कर्म प्रधान, दूसरा होता है विवेक प्रधान। तीर्थ करना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, जप करना, ये सब क्रिया प्रधान है। ये क्रिया प्रधान साधन करते करते जैसे केजी में और मिडिल क्लास में और हाई स्कूल में जाते जाते विद्यार्थी कॉलेज का अधिकारी हो जाता है, ऐसे क्रिया प्रधान साधन करते करते सत्संग में रुचि होने लगे तो फिर विवेक प्रधान साधन में मनुष्य प्रविष्ट हो जाता है।
बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तीर्थ यात्रा मंदिर देव दर्शन दान पुण्य, बूढ़े बुजुर्ग धर्मात्मा संतों की सेवा का फल है। ये क्रिया प्रधान साधन आगे बढ़कर विवेक प्रधान साधन में पहुंचा देगा। विवेक प्रधान साधन में सत्संग बहुत मदद करता है। भगवान वेद व्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि सर्व सुलभ और सर्वग्राह्य दुखों से छूटने का उपाय बताने की कृपा करें। मुनि ने जो वचन कहे ब्रह्म पुराण के आधार पर, व्यास जी कहते हैं ऋषियों तुम्हारे सवाल का मैं अभिवादन करता हूँ। तुमने बहुत सुंदर सवाल पूछा है, जो भी इस सवाल जवाब को सुनेगा विचारेगा उसकी दीनता मिट जाएगी। लोभ मोह भय अशांति काले कर्म मिट जाएंगे और ईश्वर प्राप्ति का प्रकाश होगा उसके जीवन में। धन्य हो ऋषि तुम जो सवाल पूछा है, मानव मात्र का मंगल करने वाला है। जैसे पिता बालकों को कहानियां किस्साएं संकेत करके अनुचित मार्ग से बचाकर उचित मार्ग पर ले चलता है, ऐसे ही मनुष्य को इंद्रियों को विषय विकारों से बचाने के लिए उनको फुसला के बिन जरूरी देखें काय को, बिन जरूरी बोलें काय को, बिन जरूरी खाए काय को, बिन जरूरी जगह पर जाएं काय को, जरूरी में जरूरी अपने सोहम स्वभाव में आए, समय शक्ति का दुरुपयोग करने वाले की दुर्गति होती है, सदुपयोग करने वाले की सदगति परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। व्यर्थ के चिंतन से बचे, व्यर्थ के वाग विवाद से वाद विवाद से बचे, इंद्रियों को थोड़ा संयत करे। सौ सौ ख्वाहिशें पैदा हों लेकिन ख्वाहिश को महत्व न देकर अपने कल्याण को महत्व दे। सौ सौ ख्वाहिशें आए, सौ की कर दो साठ, आधा कर दो काट, दस पूरी करेंगे दस कराएंगे दस के जोड़ेंगे हाथ, अभी तो अपने आत्म संयम में रहो। इंद्रियों को रोकें मन में और मन को रोकें मति में, और मति को स्थिर करे परमात्मा। शांत रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्म तृप्ति और आत्म प्रसाद जा बुद्धि प्राप्त करे मनुष्य, जैसे धुएं रहित आग शोभायमान होती है, ऐसे ही संशय रहित उसका आत्म सुख शोभायमान होगा। मोक्ष के उपाय में व्यास जी ने कहा क्षमा अपने जीवन में लाओ, क्षमा से क्रोध के दुर्गुण को जीतो, निसंकल्पता से कामनाओं को जीतो। मन में कामनाएं आए के छोड़ इधर उधर की आपाधापी, ओम शांति ओम। निसंकल्पता से तुच्छ कामनाओं को जीतो, अप्रमाद से भय को जीतो। भय किस बात का, आत्मा अमर है, शरीर मरने वाला है, मर जाएंगे, डर किस बात का है। तो अप्रमाद सावधानी से भय को जीतो, धैर्य के द्वारा विकारों कामनाओं और
और व्यर्थ के चिंतन को जीत लो। चंचलता को ज्ञान अभ्यास से जीतो। ओ एक टक भगवान को देखो, लंबा उच्चारण करो। चंचलता को जीतोगे तो एकाग्र होगे। एकाग्रता की शक्ति अद्भुत होती है। सभी तपस्याओं में एकाग्रता श्रेष्ठ तप माना जाता है। तो चंचलता को ध्यान अभ्यास ज्ञान अभ्यास से जीतो। हित कर खाओ, स्वास्थ्य के अनुकूल खाओ। मजा लेने के लिए मत खाओ, कम खाओ, सुपाच्य खाओ। और वर्षा ऋतु में तो खास करके अरहर की दाल, राजमा, भारी खुराक का त्याग करना चाहिए। हरड़ रसायन की गोली खाएं अथवा हरड़ चूसें। खूब भूख लगे तब खाएं और भोजन के बीच थोड़ा गुनगुना पानी पिए। एक महीना और एक दिन अभी वर्षा ऋतु है। 21 अगस्त तक, आज 20 जुलाई है। हित कर भोजन करें, थोड़ा कम भोजन करें। और संपूर्ण विघ्नों को जीतने वाला लोभ मोह से परे करने वाला भगवान का सत्संग सुने और चतुर्मास में मौन रहे, एकांत रहे। स्नेह मनुष्य को फंसाता है। संसार अनित्य है। किस किस से बाहर प्रीति करोगे? ईश्वर के सिवाय कहीं भी प्रीति करी, पति पत्नी में प्रीति काम जगाएगी, धन में प्रीति लोभ जगाएगी, परिवार में प्रीति मोह की पाश बांधेगी, वाहवाही की प्रीति अहंकार की आग में जलाएगी। इसलिए परमात्मा प्रीति के सिवाय बाकी की प्रीतियों से अपने को समेटता रहे। वाणी बोलते समय विचार करे कि 10 शब्द की अपेक्षा 6 शब्द में सार बात कह देवे। वाणी एक शक्ति है, उसका दुरुपयोग ना करे। कम बोले, सार गर्भित बोले, ईश्वर परक बोले, सच्चाई से बोले, स्नेह से बोले, अहंकार रहित होकर बोले तो उसकी वाणी सुन के लोग भी सुखी होंगे, खुद भी सुखी होगा। वाणी का मन में, मन का बुद्धि में और बुद्धि का भगवत ज्ञान में लय करे, महातत्व में और शांत आत्मा में लय करे। इससे जीव शांत आत्मा परमात्मा के सुख को पाएगा। काम विकार से बचे, हाड़ मास के शरीर में रखा क्या है? क्रोध अग्नि है, तपस्या और पुण्य नष्ट कर देता है। लोभ दल दल है, खपे खपे में आदमी खप जाता है। भय जीव की योग्यताओं को हर लेने वाला है। और स्वप्नों को न संजोए, स्वप्ना तो स्वप्ना है। रात को कहीं सपना ज्यादा आता हो तो ओंकार का गुंजन करके 10-15 मिनट बाद में सोए। सपने की बातों को जैसे जागृत में महत्व नहीं देते, ऐसे ही संसार भी स्वप्ना है। सफलता आए तो फूले नहीं, सफलताएं आ आके चली जाती है, विफलताएं आ आके चली जाती है। इसका क्या महत्व है? हानि तो हानि है, जिसको लाभ बोलते हो उसमें भी कोई दम नहीं। जिस लाभ से आत्म लाभ न हो, जिस आत्म लाभ से मोक्ष लाभ न हो, जिस लाभ से परमात्म लाभ न हो, उन लाभों की ऐसी तैसी, उन हानियों की ऐसी तैसी। हानि भी स्वप्ना है, लाभ भी स्वप्ना है, लेकिन ये सब बीतता है, फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता वह साक्षी चैतन्य परमेश्वर मेरा अपना है। वे दिन कब आएंगे कि हानि और लाभ तुच्छ लगेंगे, मान और अपमान तुच्छ लगेंगे, निंदा और स्तुति तुच्छ लगेंगे,
सफलता विफलता तुच्छ लगेगी, उसको जानने वाला साक्षी आत्मा चम चम चमकेगा। ऐसे दिन कब आएंगे? ऐसे दिन अभी आ सकते हैं अगर लग जाओ सावधान होकर। तो सत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्यास जी कहते हैं सत्संग की पुस्तकें पढ़े। गृहस्थी आदमी कमाई का कुछ हिस्सा दान करे, सत्य बोले, झूठ का त्याग करे, आपस में मेल से रहे लेकिन ममता छोड़े, स्वभाव में कोमलता और क्षमा का सद्गुण भर ले, भीतर से और बाहर से शुद्ध रहे, पवित्र रहे, आचार की शुद्धि रखे, व्यवहार शुद्ध रखे, इंद्रियों का संयम करके परमात्मा रस की प्राप्ति में लगे। व्यास जी ने इतना सुंदर उपाय सुनाया, इस प्रकार निष्पाप होकर मनुष्य आत्म तेजस के प्रभाव से संपन्न रहे, परम पद को प्राप्त हो जाए। बुद्धि में नैपुण्य आ जाए, मन थोड़ा वश में हो जाए और हमेशा पवित्र रहे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। धन कमाकर अट्टालिकाएं बनाकर मर गया तो धिक्कार है उसको। गुड़ कपट करके बेईमान होकर या ईमानदार होकर भी मर गया तो तुच्छ जीवन है। मरने वाले शरीर में अपनी अमरता का ज्ञान सुन ले, व्यवहार में भी अपने अमरता का सुमरण कर ले। दुख आता है तो ये मर जाएगा, दुख रहेगा नहीं, उसको जानने वाला मैं अमर हूँ। सुख आए तो भी मर जाएगा, इसका बहुजन हिताय उपयोग करूँ। सुख दुख मरता है, लाभ हानि मरती है, सफलता विफलता मरती है, लेकिन आत्मा अमर है। अपने कर्मों की शुद्धि का ध्यान रखे, भाव की शुद्धि का ध्यान रखे, विवेक शुद्ध रखे। शुद्ध विवेक क्या है? कि अमर आत्मा है और मरने वाला संसार और शरीर है। नित्य आत्मा परमात्मा है, अनित्य शरीर और संसार है। सुखरूप आत्मा परमात्मा है, दुख और धोखे से भरा संसार है। ये विवेक करें तो शुद्ध चिंतन होगा। शुद्ध तो परमात्मा है, बाकी सब अशुद्ध है। शुद्ध चिंतन से आदमी शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध चिंतन से अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध चिंतन से अशुद्ध कर्म होते हैं, अशुद्ध कर्मों से राग द्वेष की आग जलाकर व्यक्ति दुखी होते हैं। दुख का कोई कारण नहीं है, नाहक से लोग दुखी हो रहे हैं। न जाने कितने कितनों के आगे गिड़गिड़ाते, कितनी कितनी झूठ बोलते, कितने कितने तो आदमी विवेक बिना कुछ का कुछ बोलते रहते, कुछ का कुछ करते रहते, जिससे कीमत घट जाती है। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। भिड़ाना झगड़ाना ये वाणी का और मन का दोष है। जीवन बड़ा कीमती है और अल्प जीवन है, और काम बहुत ऊंचा है। आत्मा परमात्मा को पाने का काम ऊंचा है। कितनी भी सफलता मिल गई धिक्कार है उसको, कितनी भी विफलता हुई तुच्छ है। सफलता विफलता का महत्व नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का महत्व है। सुख दुख में सम रहने का महत्व है, निंदा स्तुति में सम रहने का महत्व है। शरीर को फुलाना सुजाना महत्वपूर्ण नहीं है, कमजोर करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शरीर जिससे चलता फिरता है उस आत्मा को मैं मेरा मानना महत्वपूर्ण है। भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य में सुबह सुबह टहलने को जा रहे थे, एक भील होठों में जप कर रहा था खजूर के वृक्ष को झुकाने का। आगच्छत्री वागत, खजूर का वृक्ष झुक रहा था, उस भील ने उसमें से खजूर का रस निकाला। गुड़ बनाकर बेचेगा चार छह आने में,
आटा दाल लेगा, एक आदाने का पौवा बौवा दारू वारू पिएगा। लेकिन व्यास जी देखो कितने महान संत, बोले ये विद्या तो इसके पास है, मेरे पास नहीं है। वो उसके पीछे गए तो वो समझ गया कि मेरे से विद्या सीखना चाहते। भील भागा, शबर जाति का था। भील जाति में जो कुरूप होते उनको शबर जाति वाला बोलते। तो भील दौड़ा तो व्यास जी उसके पीछे गए। उसने अपने कृपालु बेटे को कहा कि व्यास जी बड़े महान संत हैं, मेरे से ये विद्या सीखना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते। लेकिन शिष्य के बिना दीक्षा फलती नहीं है। जिसको श्रद्धा भक्ति नहीं हो और शिष्य नहीं है तो उसको मंत्र फलेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाऊँगा, छुप के बैठूँगा। तुम व्यास जी को बोलना आज मेरे पिताजी आए ना आए, कल आए, आप अभी जाओ फिर कभी आना, ऐसे पटाके रवाना कर देना। तो उसके बेटे कृपालु ने व्यास जी को रवाना कर दिया। लेकिन व्यास जी चुप कब रहने वाले थे, जब भी घूमने जाते तो भील को खोजते खोजते कभी कभार मिल जाता, पीछा करता। और भील और उसका लड़का वही पुरानी जो सेटिंग थी, जो पद्धति थी, उससे व्यास जी को रवाना करते। 2500 बार व्यास जी रवाना हुए लेकिन निराश नहीं हुए। देखो तुच्छ खजूर का रस निकालने वाली विद्या, तुच्छ विद्या के लिए भी महापुरुष कितने तत्पर रहते हैं। 2500 बार जाने के बाद उस कृपालु को दया आ गई कि मेरे पिता से आप क्या लेना चाहते हैं? आपने तो 18 पुराण लिखे हैं 4,00,000 श्लोक में, 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा है आपने। आप पांडु के और धृतराष्ट्र के पिता और पांडव कौरवों के दादा हो। श्री कृष्ण आपका आदर करते, ऋषि मुनि आपका आदर करते। आप हम जैसे भीलों के घर बार बार आते और खाली जाते हैं, क्या आपको अपमान का दुख नहीं होता? बोले अपमान और मान तो सपना है, दुखी होना सुखी होना तो मूर्ख बच्चों का काम है, अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए। व्यास की समता और सरलता देखकर कृपालु का हृदय द्रवित हो गया। बोले वो मंत्र आप लेना चाहते तो मेरे को मेरे पिताजी ने दिया, मैं तुमको दे देता हूँ। व्यास जी ने विधिवत श्रद्धा भक्ति से मंत्र लिया। व्यास जी तो अपने आश्रम की तरफ चले। वो भील जब आया तो अपने बेटे से पूछता कि क्या उनको तुम कुछ बता रहे थे? बोले हाँ मैंने मंत्र दे दिया उनको। बाप ने सिर कूटा के जो मंत्र नहीं देना चाहता था वही मंत्र तुमने दिया, उनमें श्रद्धा नहीं होगी तो मंत्र फलेगा नहीं, तत्परता नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, संयम नहीं होगा तो मंत्र फलेगा नहीं, जाओ परीक्षा लो। व्यास जी आश्रम में सत्संग कर रहे थे और वो भील का लड़का आया। सत्संग बहुत ऊंचा कर रहे थे कि मनुष्य को दुख और सुख का भोगी नहीं होना चाहिए। जो दुख को सुख से दबाना चाहता है उसका दुख बार बार आता है, जो सुख से संसार में रहना चाहता है उसको संसार सताता है। संसार में सुख नहीं है, सुख अपने आत्मा में है, और बाहर का सुख आए तो बहुतों के लिए बांट देना चाहिए, और दुख आए तो सुख से दुख को नहीं दबाना चाहिए। दुख हारी हरी में प्रीति करे और वासनाओं को मिटाए, दुख में कोई निर्णय ना लेना चाहिए, निर्णय शुद्ध बुद्धि से लेना चाहिए, शुद्ध समय में लेना चाहिए। मेरा ऋषि प्रसाद लोक कल्याण अथवा और कोई पुस्तक छपनी होती तो मैं बोलता हूँ अभी नहीं, मैं नहा धो लूँ सुबह करेंगे। जो भी बड़े बड़े निर्णय होते हम सुबह को ही करते हैं सात्विक वातावरण में। इसी कारण अपने 40 साल 45 साल, अरे 50 साल हो गए सत्संग करते, एक भी सत्संग विफल नहीं हुआ। बारिश आई तभी भी सत्संग चल रहा है, और बारिश चली गई तो भी सत्संग चल रहा है। जब भी निर्णय करो, अगली पूनम का निर्णय कर लिया आज सुबह,
रामलीला मैदान में अगली पूनम होगी। गाजियाबाद वालों ने कल बड़ी प्रार्थना की, मैं क्या नहीं, रामलीला मैदान अगली पूनम। आज सुबह निर्णय किया, कल भी थोड़ा निर्णय था, अभी सुना दिया, पक्का हो गया। तो आपके निर्णय आपको गिराने वाले ना हो, भगवान के तरफ बढ़ाने वाले हो। शरीर के अभिमान के कारण भगवान से गिर के निर्णय ना करो। मान अपमान होता है तो शरीर का होता है, चलते बने तो ईश्वर के रास्ते से गिरे, गुरु की नज़र से गिरे, समाज की नज़र से गिरे, काय को गिरना। तो भगवान वेदव्यास जी बड़ी ऊंची बात बता रहे थे और भील के लड़के पर नज़र गई तो उठ के खड़े हुए, उसको आदर से लाए और उसका सम्मान किया। वो भील का लड़का अपने बाप को बताता है कि हम तो तुच्छ लोग हैं, जरा सा खजूर का रस लेने वाला मंत्र बताए तो मेरा इतना आदर किया व्यास भगवान ने। तो जो भगवान को पाने का और विकारों पर विजय पाने का जन्म मरण के 84 लाख चक्कर को तोड़कर मुक्तात्मा होने का जो रस देते, ज्ञान देते, ऐसे गुरुओं का आदर तो जितना करो उतना कम है। गुमाना अंधकार, गुमाना पाप राशि को नष्ट करने वाला, रुमाना आत्म रुझान कराने वाला, उमाना ईश्वरीय वैभव जगाने वाला। गुरु शब्द का बड़ा भारी महत्व है और ये गुरु पूर्णिमा है। लघु को गुरु कर दे, लघु शरीर, लघु मन, लघु विकारों में जीने वाला, फंसने वाला जीव इन विकारों के झंझट से छूटकर निर्विकार आत्मा को पाए, इसलिए व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। तीर्थ का फल पुण्य होता है, पुण्य सुख देकर नष्ट हो जाता है, पाप दुख देकर नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का पूजन और पुण्य नष्ट नहीं होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये गुरु पूर्णिमा का फल, पूर्णिमा का फल, सत्संग का फल अनंत होता है। लो फिर वर्षा आई, आई गई, आई गई। वर्षा ऋतु में भी पुण्य तो हो ही है। नारायण परीक्षा में पास भी तो हो जाता है। अपने जीवन में पक्का निर्णय करो कि अब चतुर्मास का एक महीना रहा है, संयम रखेंगे, ब्रह्मचर्य पालेंगे, रात्रि को 10 से 3 के बीच जगना स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करना प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ाने के लिए बेजोड़ है। भगवान श्री समझने योग्य है, क्योंकि वो द्वंद्वों से रहित मनुष्य संपूर्ण संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जब भी कर्म करो तो द्वेष से प्रेरित होकर ना करो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कर्म किया लेकिन द्वेष से भरकर किया तो सिर कटवाना पड़ा। द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, राग से प्रेरित होकर नहीं, भगवान की प्रसन्नता से प्रेरित होकर कर्म करो। कामना बढ़ाने वाला कर्म जीव को बंधन में डालता है, लेकिन कामना मिटाने वाला कर्म जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण में भी कहा और वेद व्यास जी कहते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को पीड़ा देकर जो सुखी सुख भोगता है उसको बड़े दुखों के लिए प्रकृति घसीटती है,
आपके द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचे उसका ख्याल रखना। परोपकाराय पुण्याय, किसी प्राणी का तन से मन से वाणी से उपकार हो उसका ख्याल रखें। जो परहित में नहीं लगता उसकी वासनाएं नहीं मिटती, उसका अपना हित नहीं होता है। राग और द्वेष का त्याग करे बिना कोई सन्यासी नहीं होता है। व्यवहार में बाहर का संबंध दिखते हुए भी भीतर अपना अहंकार और वासना नहीं है तो वो सन्यासी है, वो द्वंद्वों से मुक्त है। भोगों को महत्व ना दे, वाहवाही को महत्व ना दे, सुविधा असुविधा को महत्व ना दे, समता को महत्व दे, वो सन्यासी योगी हो जाता है। आपकी तपस्या आपकी भक्ति सचमुच में फलित हो रही है। छाते कितने भी रखो फिर वो छातों का पानी पड़ोसी को लगेगा। सब सह लो लेकिन भगवान के निमित्त सह रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय परमात्म देवाय। ओम। आज तो 20 तारीख है, कल 21, परसों 22 गुरु पूर्णिमा का पर्व है और सुबह 8:58 के बाद सारस्वत्य मंत्र एक माला जप करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा। और रात्रि को 11 से 11:47 के बीच लाल चंदन से जिह्वा पर ह्रीम लिख देवे, बस कैसा भी आदमी हो बुद्धिमान और विद्वान हो जाएगा। मैं मंत्र बोलता हूँ, ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में भी देख लेना, मैं अभी मंत्र बोलता हूँ, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो जिह्वा तालू में लगाओ, मैं बोलूँगा सेवक बोलेगा, आप मन में बोलोगे याद हो जाएगा। ओम ओम ऐम ऐम ह्रीम ह्रीम। सब लोग नहीं बोलो, सब जीवा तालू में लगा दो, केवल सेवक माइक में बोलेगा वापस या कोई भी। तुम लोग जीव तालू में लगा दो, मन में बोलो तो याद रह जाएगा। ओम ऐम ह्रीम, ओम ऐम ह्रीम, श्रीम क्लीम, श्रीम क्लीम, वाग्वादिनी सरस्वती, वाग्वादिनी सरस्वती, मम जिह्वाग्रे वदा वदा, मम जिह्वाग्रे वदा वदा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, नमः स्वाहा नमः स्वाहा। ये एक मंत्र हुआ, ऐसा 108 बार जप करना 8:58 के बाद तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और रात्रि को ह्रीम शब्द लिखना है लाल चंदन से, और लाल चंदन स्टार पर मिल जाएगा। एक पैकेट में 2, 5, 7 व्यक्ति को लिख सकते हो। मैं मंत्र फिर से बोलता हूँ, ओम ऐम ह्रीम, ओम ऐम ह्रीम, श्रीम क्लीम, श्रीम क्लीम, वाग्वादिनी सरस्वती, वाग्वादिनी सरस्वती, मम जिह्वाग्रे, मम जिह्वाग्रे, वदा वदा, वदा वदा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, नमः स्वाहा नमः स्वाहा। तो इसमें 5 बीज मंत्र और 2 बार उसकी पुनरावृत्ति, तो 10 बीज मंत्रों का प्रभाव आ गया। एक भी बीज मंत्र होता है जिस मंत्र में, जैसे बम बीज मंत्र है तो गोड़ों के दर्द को और गठिया को और वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियों को मार भगाता है। बम 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 बीज मंत्र है शिव जी का। इसमें तो 5 बीज मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, और फिर ये 5 की नीचे पुनरावृत्ति है। तो बीज मंत्र एक बार मंत्र बोलने से 10
पांच पांच दो बार दस बार बीज मंत्र का उच्चारण होता है, बड़ा प्रभावशाली है। और जिह्वा पर हिरिम शब्द लिखना है 11 से 11:47 के बीच, परसों की बात है 22 तारीख। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वदा वदा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। मंत्रों की सच्चाई गजब की है। हम जयपुर जाने वाले थे और अजमेर में ठहरे थे, डूंगरिया आश्रम के, डूंगरिया गांव के आश्रम में ठहरे थे, एकांत आश्रम में। लेकिन वहां पानी की किल्लत थी, बरसात कम पड़ी थी। हमने हमारे सेवकों को बोला तुम आहुतियां डालो, हम भी बैठे थे, लोगों को बोला संकल्प करो कि इस डूंगरिया गांव क्षेत्र में बरसात हो। 5:30 बजे यज्ञ पूरा हुआ और हम लोग कार में बैठे, हमने कहा बरसात होगी। गाड़ी चलते चलते किशनगढ़ पार नहीं किया उसके पहले खबर हुई तो बरसात चालू हो गई। धूप थी और बरसात चालू हो गई। भले बरसात थोड़ी देर हुई लेकिन बाद में पता चला कि आसपास के गांवों में भी, डूंगरिया गांव, डूंगरिया के आसपास के गांवों में भी ठीक ठाक बरसात हुई। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति अवेद प्रकाशा। भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है मंत्र जाप। तो भगवान वेद व्यास जी का बड़ा उपकार रहा मानव जाति पर। तो देवताओं ने वेद व्यास जी को प्रार्थना किया कि कोई भी देवी देवता का पूजन करते तो सुख फल देके नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु का पूजन शाश्वत फल देता है। तो गुरु की पूजा का कोई वर्ष में दिवस और साप्ताहिक दिवस, तो जैसे सोमवार शिव जी का है और शिवरात्रि शिव जी की है, शनि और मंगल हनुमान जी का है, हनुमान जयंती हनुमान जी का है, ऐसे ही गुरुवार गुरु पूजन का दिवस और व्यास पूर्णिमा वार्षिक गुरुदेव का पूजन अर्चन ध्यान धारणा, सावनी पूनम ब्राह्मणों का विशेष त्यौहार माना जाता है और दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली वैश्यों के लिए, होली चारों वर्णों के लिए। लेकिन ये गुरु पूनम तो चारों वर्णों के लिए तो है ही है, लेकिन देवता भी बृहस्पति गुरु का पूजन करते हैं, दैत्य भी अपने गुरु का पूजन करते हैं और भगवान राम और कृष्ण भी अपने गुरु का आदर पूजन करते हैं। जो गुरु का आदर पूजन करता है वो अपने जीवन का ही आदर पूजन करता है, अपने ज्ञान का और अपने लक्ष्य का आदर पूजन करता है। मन की चाही बात हो जाए तो उसमें ज़्यादा खुश मत हो जाओ, नहीं तो उसमें फंसोगे, धीरे धीरे आदत बिगड़ेगी। मन के विपरीत हो तो भी सम रहो और मन के अनुकूल हो तो भी सम रहो। इसको भगवान ने उत्तम योग बताया है, समत्व योगम उच्यते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम मता। सुखद अवस्था दुखद अवस्था में फंसो मत, ये तो अवस्था आती जाती है, लेकिन तुम रहने वाले हो, अपने रहने वाले स्वभाव की स्मृति करो। तो एक होता है क्रिया प्रधान साधन और दूसरा होता है विवेक प्रधान साधन। तो क्रिया प्रधान साधन की का पर्यवसान विवेक में ही होता है। क्रिया तो करता रहा, तीर्थ में भी गया, उपवास भी किया, जप भी किया, लेकिन सत्संग में नहीं गया और विवेक का आश्रय नहीं लिया तो फिर गलत निर्णय करेगा, फिर वापस वही का वही। विवेक की हीनता है, बैल बुद्धि है, विवेक की कमी है, फिर से गिरते। जैसे पतंगियों में विवेक नहीं है तो दिए में गिरते, जलते तो किनारे हो जा नहीं फिर जलते। दारूड़िये में विवेक नहीं तो फिर से पीता है। पान मसाला खाने वाले में विवेक नहीं है तो फिर से खाता है। व्यसनी में विवेक नहीं तो फिर से व्यसन करके गिरता है। लेकिन साधक को विवेकवान होना चाहिए। मैं तो व्यसनियों से तो नाइजीरिया के बंदर को शाबाश देता हूँ,
वापस नाइजीरिया में एक बंदर था, इंजीनियर ने पाल रखा था। इंजीनियर सरकारी था तो ठेकेदार उसको डिनर पे बुलाते, शराब की बोतलें खुली तो सबने पिया, तो उसने अपने बंदर को भी पिलाया। बंदर तो नकल करता है तो वो भी पिए। अब बंदर की इतनी सी खोपड़ी है, दूसरे लोगों ने तो प्याली प्याली चढ़ाई, घूंट और भी चढ़ा। बंदर ने तो एक प्याली पी, थोड़ी देर में नशा नशा हो गया, बेजार हो गया। मालिक ले गया उसको, फिर 10-5 दिन के बाद दूसरी जगह पर महफिल हुई, बंदर को ले गए और फिर वहाँ भी प्यालियाँ खोली तो बंदर ने मुंह मोड़ लिया। उसके मालिक ने फिर मंकी 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 उसने यूं झपाट मारा। फिर से किसी शराबी ने, यू ड्रिंक ब्रांडी इज गुड फाइन। और बंदर ने तो ऐसा गुस्सा दिखाया, हुप करके हुए बोतलें उठा के उनको दे मारी इधर उधर। इतने नालायक लोग हैं कि अगली बार प्याली पिया तो ये तकलीफ हुई, फिर मेरे को प्याली पीते, खुद प्याली पीते। नाइजीरिया के बंदर को जितनी अक्ल है उतनी शराबियों को होती तो कितना भला हो जाता। बिल्कुल घटित घटना है। तो रामायण में सवाल आता है कि सबसे उत्तम शरीर कौन है, नर तन समनाई कौन हो दे। मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, लेकिन सबसे अधिक दुख क्या है? दरिद्र सम दुख जग नाही। और दरिद्रता रुपए पैसों की दरिद्रता ये कोई दरिद्रता नहीं है। जिसके भाव दरिद्र है, भावना नहीं है, जिसके पास ज्ञान की दरिद्रता है वो बहुत दुखी होता है। रुपए पैसों की कमी तो शबरी के पास थी, फिर भी सुखी थी क्योंकि सत्संग था। सत्संग से भाव की दरिद्रता मिट जाती है, ज्ञान की दरिद्रता मिट जाती है, तो बाकी की दरिद्रता का कोई महत्व ही नहीं होता है। इसीलिए सत्संग सर्वोपरि चीज है। सत्संग के ग्रंथ बार बार पढ़ना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई। और 6 से 19 साल तक के बच्चों को कैसे क्या खाना खिलाना चाहिए उनका ध्यान रखना चाहिए। 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था, 13 से 19 साल तक यौवन शुरू होता है, किशोर अवस्था छूटती, शरीर की हड्डियां बढ़ती है, तेजी से विकास होता है, तो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। दूध छाछ दही मक्खन तिल मूंगफली, मूंग पत्ता गोभी गाजर गन्ना संतरा सूखा मेवा शलगम, पर्याप्त कैल्शियम वाला भोजन खिलाना चाहिए बच्चों को। लोह की कमी होने से बौद्धिक कमजोरी रहेगी, शारीरिक विकास में रुकावट होगी। स्तोत्रों में लोह की कमी होने से नुकसान होता है, इसलिए सब्जी पुदीना आदि का उपयोग करना चाहिए। मेथी अंजीर काजू खुरमानी खजूर राजगिरा टमाटर अंगूर अरहर आदि का उपयोग करना चाहिए। 20 से 30 साल की उम्र तक शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, फॉलिक एसिड की, वी ई विटामिन्स की और वी सी विटामिन्स की। लोह तत्व मासिक धर्म धारण के दुगुना आवश्यकता होती है स्त्रियों को। लोह तत्व स्त्रियों के जीवन में विशेष चाहिए, प्रजनन संस्थान में स्वास्थ्य के लिए एंटी चाहिए आवश्यक है। तो आलू खारा खाना चाहिए, लाल लाल है ना आलू खारा, मुनक्का जामुन बैर नारंगी काले अंगूर स्ट्रॉबेरी आदि महिलाओं को खानी चाहिए। बुढ़ापे को रोकने के लिए नारंगी और नारियल आदि का उपयोग करना चाहिए, मालिश आदि का। अब बरसात को रोकने के लिए करना है क्या कुछ? बरसात लाने का मंत्र भी है, रोकने का भी मंत्र है। मंत्र है बरसात रोकने का, स्तंभ है वर्षाम स्तंभ है
वो थोड़ी देर करे तो वर्षा रुक सकती, रोकना है क्या बरसात? नहीं रोकना है, चलो ठीक है। ओ निद्रा लाने का भी मंत्र है और निद्रा रोकने का भी मंत्र है। ओ चलो अलाउंसर, तुम जरा अलाउंस करो, नहीं तो रेलगाड़ी को बुलाओ, दर्शन प्रसन्न कर लें बरसात में। रेलगाड़ी आ जा। हरिओम 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 हरिओम। रेलगाड़ी में आता हूँ तुम्हारे से नजीक मिलने के लिए। पूर्णिमा हो गई, आरती भी हो गई, अभी तो शाम को भी होगा सत्संग, कल 12 बजे तक होगा, 9 से 12। दीक्षा का मौका भी देखेंगे, होगा तो कर लेंगे। अभी मैं रेलगाड़ी में तुम्हारे नजीक आऊँगा। रेलगाड़ी जल्दी आ जाओ, बापू की रेल जल्दी आवे। हरिओम। बरसात नहीं रोकना है तो फिर जल्दी छुट्टी करो। वर्षाम स्तंभय स्तंभय नहीं करते, चलो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम रेलगाड़ी वाला जल्दी आ जा। हरि ओम 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 से रखो। अरे ठीक रखने रेलगाड़ी वाला क्यों नहीं आ रहा है? रेलगाड़ी क्यों नहीं आ रही है? आया तो नहीं। आनंद ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम
है।